हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपका आज घूम रहा है गुवाहाटी में, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं तो रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं आज आया हूँ गीतानगर की तरफ, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इधर एक काम था, उस सिलसिले में आया हूँ। थोड़ा गीतानगर का जो जू रोड से आप नारंगी की तरफ जाओगे ना, तो उधर का रूट का थोड़ा सा आपको वीडियो मिलेगा। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मेरे, जैसे ही आप गीतानगर की तरफ जाते हो, यानी जू रोड से जब भी आप नारंगी की तरफ जाते हो, तो काफ़ी बेहतरीन आपको सड़क मिलता है और काफ़ी हरियाली से भरा हुआ आपको सड़क के किनारे दाएं बाएं और बीच में भी आपको काफ़ी सारा पेड़ पौधे मिल जाते हैं। तो बस हम भी इधर को आए हैं काम करने, इसलिए सोचा आपको छोटा सा वीडियो देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर। इधर जू रोड जा रहा है, थोड़ा सा खाना खाने को इधर ही घूम रहे थे आज का दिन में। दूसरे से चलेंगे तो अभी हम चारमारी की तरफ से जा रहे हैं और ये रहा चारमारी फ्लाईओवर, और हम जा रहे हैं थोड़ा घर की तरफ, वहीं जाके खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि इधर मुझे अच्छा होटल मिला नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली घर पे जा रहे हैं। वहीं पे बिरयानी वगैरह लेंगे और वहीं पे खाएंगे। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पे देख लो ब्रिज का काम चल रहा है नया। हम लोग आए थोड़ा सा रूम पे, और रूम पे हम लोग बिरयानी लेते आए हुए हैं, जो कि पैक करवा के, तो उसको खाने वाले हैं, क्योंकि मैं सोचा हूँ घर पे जाकर आराम से खा पी कर बढ़िया से कुछ ठंडा उंडा पियेंगे। ठंडा नहीं पियेंगे, अभी हम लोग रुअब्जा बनाने वाले हैं। रुअब्जा है तो इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक से अच्छा रुअब्जा होने वाला है, अब मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है रुअब्जा पता नहीं, तो देख लो हम लोग क्या लिया हुए हैं और कैसे खा रहे हैं। इधर रियाज भाई खा रहा है अपना बिरयानी, दिखा दो भाई बिरयानी दिखा दो। ये देख लो सबसे टेस्टी है बिरयानी, यहाँ बिरयानी है जो कि हम लोग कहाँ से लिए हैं, हिदायतपुर, हिदायतपुर के सामने, यानी इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप है ना, उसके सामने से हम लोग लिया है। तो मैं भी देख लो यहाँ है, उसके साथ बॉयल एग, बस यही सब खा रहे हैं। खा लेते हैं उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इधर काम जहाँ पे कर रहे हैं ना वहाँ जाएंगे। तो अभी देख लो इसका, ये तो अपना निपटा दिया हुआ है, मेरा बचा हुआ है, आराम से रुअब्जा पी रहा है। मैंने भी इधर ले लिया हुआ है, देख लो। तो अपने पास भी ये रुअब्जा है भाई, क्या करें गर्मी में, लेकिन ये ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लो ना तो थोड़ा देर बाद में और प्यास लगता है। अब सभी को रुअब्जा मुबारक बोल सकते हैं ना, तो भाई ये बस रुअब्जा पी रहे हैं, क्या करें। थोड़ा सा वो बिरयानी वगैरह खा लिया तो सोचा कि इसी को, कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा था, ये बोला कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। मैंने बोला घर में रुअब्जा है, उसी को बनाएंगे, बढ़िया से चिल करके पियेंगे। आप रुअब्जा पी कर देखना, हालांकि इसका खुशबू सबको पसंद नहीं है, लेकिन आप रुअब्जा पी कर देखना, मतलब कि आपको सुकून मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। घर में मैं रखता हूँ कभी कभी पीने के लिए, अगर घर में कुछ पीना है तो बस इसी को निकाला, अपना घोला, बस पी लिया। तो भाई आज हम लोग पूरा दिन ना, और अब रात होने को 7 बज गया हुआ है, फिर भी हम लोग कहाँ पे, जू रोड के तरफ ही घूम रहे हैं।
तो अभी जाते हैं सैमसंग का एक सर्विस सेंटर में, हमें वो डाटा केबल लेना है टाइप सी टू टाइप सी शायद, तो S22 के लिए, तो उसका चलते हैं सर्विस सेंटर से एक बार डाटा केबल ले लेते हैं। तो भाई मेरे सैमसंग का सर्विस सेंटर बंद हो गया है, पता नहीं कल एक बार आऊंगा लेने के लिए, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है और डाटा भी काफ़ी सारा वीडियो मैंने बना कर रखा है जो कि डाटा भी यहां से वहां लैपटॉप में डाल नहीं सकते, तो बस इसी के लिए गया हुआ था। कई दिन से सोच रहा था कि जाऊं लेकिन आज लेट हो गया जाते जाते, तो बंद हो गया। आठ बज गया हुआ था शायद, मैंने सोचा 7 बज रहा है, मैंने टाइम देखा नहीं और बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, टाइम मैंने देखा नहीं था। तो इसलिए जू रोड में सैमसंग का बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है और शायद इकलौता सर्विस सेंटर है अगर सैमसंग की तरफ से देखो तो। सैमसंग का सर्विस मतलब बहुत ही मस्त सर्विस है, मुझे सैमसंग का सर्विस ना काफ़ी अच्छा लगता है। सर्विस अच्छा है इसलिए मैं सैमसंग का मोबाइल लेता हूँ। मेरे पास 2-3 मोबाइल फ़ोन है जो कि सैमसंग का ही, इसलिए मैं सैमसंग का लेता हूँ ताकि सर्विस तो कम से कम मिले। अब सैमसंग का सर्विस सेंटर में जाना कभी और देखना कि कितना मस्त उन लोगों का मतलब कि सर्विस रहता है, मुझे अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है वो आप कमेंट करके बताना। तो मैंने और भी कंपनी का मोबाइल लिया हुआ है, जाके मुझे क्या होता है कि उसके लिए वेट करो, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सही से बात नहीं करते, लेकिन सैमसंग भाई मस्त है। वहाँ पे जाओगे ना तो एक अलग ही फील आएगा। तो पता नहीं और जगह का, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ तो गुवाहाटी का सर्विस सेंटर जो सैमसंग का है वहाँ पे काफ़ी सारा मैं काम करवाता हूँ, जैसे चार्जर एडेप्टर हो गया और भी काफ़ी चीज़, या मोबाइल को रिपेयरिंग, मैंने एक दो मोबाइल पहले से भी मेरा सैमसंग का था तो उसको भी रिपेयरिंग हम करवाए हुए हैं। तो यहाँ का सर्विस सेंटर काफ़ी मस्त है, तो आज सोचा था आपको दिखाऊँ थोड़ा सर्विस सेंटर नहीं, वहीं पर एक शॉप का दुकान है तो वहाँ पर जाता तो आपको सर्विस सेंटर तो दिखता है, काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है, तो वो तो हुआ नहीं। बस उम्मीद करता हूँ, चलो इस वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ, कल हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे और कुछ अच्छा कुछ अलग करेंगे। सोचता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन होता कुछ नहीं है भाई, तो जो भी है जैसा भी वीडियो बन रहा है आप इसी में एडजस्ट कर लेना।